इसका अयोध्या से कोई कनेक्शन है नहीं। जगह में क्या है ना, अगर आप मेरे बाएं तरफ देखो तो ऐसा लगेगा आपको धरती थोड़ा सा उठा हुआ है। जो मतलब हाथ पांव बाइक सब कांप रहा था भाई। वेलकम फ्रॉम झारखंड। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अयोध्या हिल्स। सुबह का बज रहा है 6:20, 6:30 का हम लोग प्लान कर रहे थे निकलने का, ऑन टाइम जा रहे हैं आज। तो आज का ट्रिप है घर के तरफ, बट हम लोग घर जाएंगे लेकिन जो नॉर्मल रूट से आए थे पहले विष्णुपुर वाला रूट से, उस बार उधर से नहीं जाने वाले हम लोग। आपका एक्सप्लोर करने वाले हैं बेल पहाड़ी का, खानतरानी जो लेक है उसका भी। और बाय द वे जो प्रॉपर्टी था आरण्यक होम स्टे, आप इसके बारे में आपसे वीडियो में लास्ट में बात करते हैं, अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। अभी ट्रिप पे ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं बेल पहाड़ी की तरफ। बट उससे पहले हम लोग का एक छोटा सा प्लान है, हम लोग पेट्रोल पंप में आपका रिफिल करेंगे झारखंड में, नॉट वेस्ट बंगाल। आइए आगे मिलते हैं आपसे रास्ता। तीनों बाइक रेडी लाइन से, चेंज रूम करना होगा क्योंकि ऑलरेडी मानसून में पड़ा एकदम आया है, बीच बीच के आया, रस्टिंग ना हो जाए तो चेंज रूम करना पड़ता है। जय माता दी। हर तरह का वेदर हमें देखने को मिला यहाँ पे, मानसून सनी क्लाउडी, बारिश तो जोर का ही मिला बट फिर बंद हो गया अल्टीमेटली। सुबह का पहला किरण पड़ा धूप का और देखते ही ऐसी वादियाँ देखने को मिले, तीन माउंटेन का चेन, और क्या चाहिए इससे अच्छा। और सुबह का शुरुआत क्या हो सकता है, वो भी घर जाने के टाइम पे। दूसरा खानतरानी लेक है, एक राजबाड़ी भी है बट उसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि घाघरा वाटरफॉल और खानतरानी लेक करते करते ही हम लोग का टाइम बहुत हो जाएगा और हम लोग चाहते हैं कि अंधेरा होने से पहले घर चले जाएँ। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बलरामपुर की तरफ, झारखंड बॉर्डर ढुकना होगा क्योंकि आने के टाइम हम लोग वेस्ट बंगाल से आए थे, इस बार हम लोग झारखंड टच करके अंदर से निकल के वापस वेस्ट बंगाल में एंटर करने वाले हैं। खास बात पता है क्या है अयोध्या हिल की तरफ, आप यहाँ का चोटी इतना ऊंचा ऊंचा है कि कहीं कहीं जगह में आपको क्लाउड से पूरा मतलब टकराते हुए दिखेगा, जैसे वो बादल एकदम लग रहा है एकदम पहाड़ के चोटी पर आया हुआ, पूरा लग रहा है एक मतलब वोल्केनिक इरप्शन हुआ है और वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो गया ऐसा लगता है देखने में। और ये सेक्शन काफ़ी बढ़िया है यार, धान का एक लेयर बना हुआ है, धान का खेत का देखिए, अब लेयर धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ते हुए जा रहा है, हल्का हल्का टी गार्डन जैसा लग रहा है देखने में ये। पहले एक समय पे हम लोग इस ट्रेन से ऑफिस जाया करते थे, सुबह उतरते थे 4:30 बजे बाखुड़ा और वहाँ से फिर बस पकड़ के खतरा, और रात को 11:50 में हावड़ा से खुलती। गाँव का नाम है बेलडीहा। अब बेलडीहा गांव से मुझे एक बात याद आया, अयोध्या वाला ट्रिप की, अयोध्या नाम पड़ा है उस जगह का सही बात है लेकिन रियल उसका अयोध्या से कोई कनेक्शन है नहीं। एक्चुअली उस गाँव का नाम मतलब वो जो एरिया था पहले उस जगह का नाम था अयोध्या, जैसे अभी ये गांव देखे आप बेलडीहा, वैसे वहाँ का नाम था अयोध्या। अब अयोध्या से अयोध्या कैसे हो गया भगवान जाने, बट अब जब अयोध्या हो गया है तो वही पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका है और नाम भी कैची है, लोगों को लगे कि देर इज सम कनेक्शन बिटवीन अयोध्या एंड अयोध्या। तो आए थे ये लेफ्ट वाला रास्ता से, अब हम लोग को लेफ्ट ही जाके हम लोग को जाना है टुवर्ड्स सीधा, ये रास्ता ही जा रहा है आपका टुवर्ड्स बांधवन। ऑफिशियली हम लोग झारखंड में एंट्री कर चुके हैं, अब एंट्री करते ही बम्पर, वैसे हम लोग के राइट में अभी पड़ा था झारखंड बॉर्डर एंटर करने के बाद ही 5 मिनट बाद ही हम लोग को राइट में हाथीखेदा मंदिर का रास्ता दिखा था, वहाँ से 8 किलोमीटर दिखा रहा था, मन था जाने का पूरा बट रास्ता सुनते बहुत ख़राब है तो उसको अवॉइड करना पड़ा। कभी जाएंगे ज़रूर वो जगह, सुने हैं बहुत फेमस है यार, बहुत अच्छा मंदिर है। तो रिफिलिंग कर लेते हैं बाद में, फिर मौका मिले नहीं मिले। झारखंड में अभी पेट्रोल का रेट है 99.98, बस छोड़ दीजिए पूरा भरिएगा तो छलकेगा ना, हाँ इसीलिए। कितना आया तेल? 9.76 तेल था।
थोड़ा कम हो गया था। झारखंड का रास्ता का तारीफ करता है यार, झारखंड का रास्ता बहुत सुंदर बहुत प्लेन होता है, गड्ढे ही गड्ढे भरती है भाई इस रास्ते में, तो धीरे धीरे चलने में फायदा है। झारखंड का सफर यही होता है समाप्त, पेट्रोल लिए और झारखंड छोड़ के चले गए। इसी बहाने यार थोड़ा सा देखने को मिला कि हाँ झारखंड का रोड कंडीशन अभी टेम्पोरली क्या है। अब यहाँ से देखिए वेस्ट बंगाल चलो, यहाँ का रास्ता प्लेन उन लोग मेंटेन करके रखे हैं, काफ़ी सही है। तो ये हम लोग आ गए बांदवान। बांदवान जो आपका टाउन है एकदम झारखंड बॉर्डर से एकदम सटा हुआ ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 8-10 किलोमीटर के अंदर है। फ्रेंड था हम लोग के साथ ही ज्वाइन किया था बैच में। अब जब पोस्टिंग ऑर्डर निकला था ना, तो वो पोस्टिंग ऑर्डर देख के बहुत खुश था, उछल के नाचने लग गया, ये मेरा बर्दवान पोस्टिंग हुआ, बर्दवान पोस्टिंग हुआ। क्योंकि बर्दवान और बांदवान का स्पेलिंग में सिर्फ एन और आर का फ़र्क था। सर आके उसको बोले तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, तो बोला सर मेरा पोस्टिंग बर्दवान हो। बोलता है बेटा वो बर्दवान नहीं है, बांदवान है, झारखंड बॉर्डर के पास जाओ। इतना सेक्शन काफ़ी अच्छा लगता है झिलीमिली के आसपास का, है पूरा तरह जंगल है, पूरा रास्ता घेर लेता है यार, पेड़ पौधे यार, एकदम बीच से आने से एकदम फील ही अलग आता है उसका। सेक्शन को बोलते हैं झिलीमिली, ये जगह का नाम झिलीमिली है। अब यहाँ पे आपको इस तरह का लंबा लंबा घाट देखने को मिलेगा और जंगल के बीच से रास्ता कंटिन्यू होगा। देखिए आप बारिश हुआ है, रास्ता अभी भी भीजा हुआ है यहाँ पे, और उसको सूखने में टाइम भी लगने वाला काफ़ी, बट यहाँ की तो ठंडा है इस जगह पे, क्या क्या बयान नहीं कर सकते। यहाँ से आपका चालू हो रहा है झारखंड डिस्ट्रिक्ट और बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ख़त्म। अब यहाँ पे आई थिंक वीडियो बनाना अलाउड है कि नहीं मुझे पता नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ी का डिस्टेंस अराउंड 17 किलोमीटर, और दोनों जो स्पॉट है आसपास ही है, ज़्यादा दूर है नहीं। जंगल को काट के बनाया हुआ सेक्शन यार देखो, अच्छा है कि बहुत सारे बैरिकेड दे दिया है, क्योंकि रास्ता कब डाउन कब होगा कोई कब अप होगा कोई गारंटी नहीं है। तो भाई इधर पे चलाने के टाइम थोड़ा मतलब ठीक है आप इंजॉय कर रहे हो अलग बात है, बट रास्ते पर भी ध्यान देना। वेट सुनते हो भाई, जिसका पेसमेकर लगा हुआ तो ऐसे ही मर जाएगा बेचारा। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। यहाँ से बेल पहाड़ी का डिस्टेंस बचा अराउंड 7 किलोमीटर। अब डिस्टेंस तो 7 ही किलोमीटर है, बट भूख इतना जोर का लगा हुआ है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर जा रहा है चूहा, मतलब एकदम पेट में कूदना उदना छलांग वलांग सब कर रहा है भाई। और पूरा इस स्ट्रेच में ना कहीं पे भी कुछ खाने का अच्छा दिखा नहीं हमें, तो अब बेल पहाड़ी में उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ खाने को मिल जाए अपने को। सच में ब्रेकफास्ट हुआ नहीं, सुबह से भूखे हैं और 6:30 से बाइक चला रहे हैं, अराउंड 2.5 घंटा से ज़्यादा हो गया है, और हम लोग कहीं ज़्यादा हॉल्ट भी नहीं लिए हैं, तो अब जल्दी जाने का मन कर रहा है यार, भूख लगा हुआ है। तो ये रास्ता जा रहा है आपका मेन रोड से राइट पे पड़ेगा, अगर आप बिल पहाड़ी की तरफ जा रहे हो चला, ये रास्ता चला आपका टूवर्ड्स खोंदरानी लेक। रास्ता पूरा कच्चा ही है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, 2.6 किलोमीटर है, अंदर का 2.5 किलोमीटर का रास्ता हो, बट थोड़ा ऐसा फील आ रहा है कि जंगटा होते यार। पहले तो इसका आप जो रास्ता था उसका भी आधा हो गया, थोड़ा घबराहट भी हो रहा है रास्ता देख के यार, लगा एकदम जंगल के बीचों बीच है ऐसा लग रहा है लेक। ऐसा लग रहा है देखे ना, ये काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट बन सकता है यार, ज़्यादा अंदर नहीं है, मेन रोड से अराउंड 2.5 किलोमीटर के अंदर ही है ये, बट यहाँ का लोकेशन आप देखो, बीच में वो जो स्पेस देख रहे हो आप आराम से उस जगह में पिकनिक कर सकते हो यार, मतलब पिकनिक स्पॉट के लिए तो बहुत सही है अगर आपके हाथ में टाइम है तो ऑब्वियसली, क्योंकि और भी बहुत सारा ऐसा ऐसा स्पॉट है जो थोड़ा अंदर है, तो हो सकता है वो आपका टाइम किल करेगा।
बट ये वाला वर्थ है आपका 2.5 किलोमीटर के लिए। 2.5 किलोमीटर के अंदर आपको अगर एक इतना सुंदर अगर आपको व्यू मिले तो आप यहाँ से फोटो वोटो लो, वीडियो वीडियो लो और वापस अपने घर की तरफ आ गए। और ज़्यादा ब्लॉगिंग हो नहीं पाएगा लग रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ चालू हो चुका है, रास्ता आप देख ही पा रहे हो, शाइन कर रहा है। अब हम लोग इसी कारण से घाघरा वाटरफॉल भी अब स्किप कर रहे हैं डायरेक्ट घर की तरफ। फाइनली हम लोग पेट में डाले कुछ कचौड़ी सब्जी ब्रेड घुगनी यही सब मिला, और भाई पूरा ठंडा था। अब उसको गर्म करने बोले तो वो ऐसे गुस्सा हो गया, जैसे मतलब गर्म करने बोले मतलब पाप हो गया बोल के मेरे से वो। बट एनीवेज ठीक है, खड़गपुर की तरफ। एक्चुअली पहले मिदनापुरी हम लोग का टाउन आया, खड़गपुर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मिदनापुर से थोड़ा आगे जाके हम लोग कहीं लंच करेंगे। अभी जैसे टाइम हो रहा है अराउंड 10:45, तो अभी खाए हैं तो अब 2-3 घंटा तो भूख लगने वाला है नहीं। पर इतना ज़्यादा क्रॉसविंड है ना, मतलब पूरा बाइक हिल जा रहा है एक बार के लिए। मेरे बाएं तरफ देखो तो ऐसा लगेगा आपको धरती थोड़ा सा उठा हुआ है, जो सरफेस से थोड़ा उठा हुआ लग रहा है, लेकिन जैसे हम टूवर्ड्स राइट देख रहे हैं इधर थोड़ा डाउन लग रहा है। बिनपुर यहाँ से अराउंड डिस्टेंस होगा 60 किलोमीटर आई थिंक मिदनापुर। इसका मुझे नाम तो नहीं पता बट नदी सूखा पड़ा है यार बारिश के टाइम पे भी। जिस हिसाब से बारिश हो रहा है ना यार, अब और शूट किया जा नहीं पाएगा इस वेदर में। तो काम करते हैं गोप्रो डाल लेते हैं, जहाँ पे लंच करेंगे वहाँ पे ऐसे ऑन करके देखते हैं। मुझे डर भी लग रहा है ऐसा ना हो कि बारिश के चक्कर में गोप्रो ही ख़राब हो जाए। सो बेटर है कि मैं स्टॉप कर देता हूँ आपसे। चलिए अब डायरेक्ट मिलता हूँ लंच वाले स्पॉट पर। 2 hours later मॉनसून राइड का रेन फाइनली हमें मिला आपका खड़गपुर से कोदाघाट वाले सेशन में। इतना ज़ोर का बारिश हुआ, जैकेट वैकेट पैंट वैंट जूता होता सब ख़त्म, अब पूरा ऑलमोस्ट भीजे हुए हैं। अब देखते हैं फ़ोन से ब्लॉक करना पड़ा, ऑलरेडी कोको का चार्ज ख़त्म हो गया। यहाँ पे लंच यहाँ पे किया एक्सप्रेस फूड प्लाजा जस्ट कोलाघाट में शेर पंजाब के सामने यहाँ पे। अब शेर पंजाब जहाँ पहले हम लोग गए थे वहाँ पे नाम भी लिखवाए, बट वहाँ से हटने का कारण एक ही था, इतना वहाँ पे क्राउड था कि 40 मिनट खाली मतलब अपना टेबल आने का वेट करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम लोग आज एक्सप्रेस फूड प्लाजा ट्राई किए। और ट्रस्ट में गाइस इसका खाना पीना जो भी था, जैसे हम लोगों ने तंदूरी रोटी वेज पुलाव पनीर बटर मसाला कढ़ाई पनीर ये सब खाए और काफ़ी अच्छा खाना था। आई एम सॉरी आप लोगों को खाना का हम वीडियोज़ और फोटो नहीं दिखा कि आप लोगों को मुँह में पानी लाना नहीं चाहते, इसलिए हम लोग जल्दी खा गए एक्चुअली। और इतना भूख लगा हुआ था कि इतना दिमाग में आया भी नहीं कि वीडियो बनाना है फ़ोटो बनाना है। सो ठीक है, होता है कभी कभी ट्रिप में ऐसा। यहाँ से अब निकलना चाहिए हमें। सो टाइम हो रहा अराउंड अभी 3:15, हम लोग को लंच करते करते यहाँ पे लगा 1 घंटा ऑर्डर आने में और खाने में। बट एक चीज़ था, एक्सप्रेस प्लाजा का जो आपका ऑर्डर लेने का टाइम और देने का टाइम था पर काफ़ी कम था यार, मतलब ऑर्डर आप दिए और आपको विदिन 15 मिनट्स आपके टेबल पे खाना आ जाएगा। टाइम ये लोग आपका ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो ये एक आप बाइकर्स लोग के लिए अच्छा चीज़ है। यहाँ से हम लोग का घर का डिस्टेंस अराउंड 74 किलोमीटर, धूलागढ़ टोल से शुद्धि पलक हो जाएगा अपने घर की तरफ। हम लोग जब भी कोलाघाट आते हैं चाहे किधर के लिए भी राइड क्यों ना करो, अगर हम लोग कोलाघाट की तरफ से आएंगे तो हम लोग ये वाला ब्रिज ज़रूर दिखाते हैं। और आई थिंक ये कोलाघाट जो नदी कोलाघाट के पास जो नदी है, आई थिंक रूपनारायण नदी के ऊपर ये ब्रिज बना है, ये रोड वाली और वो रेल वाली। रेल वाली तो अब शायद 3 हो गई है, पहले 2 उधर था, एक वो नया लाइन था नहीं पहले, वो नया लाइन भी बन गया। लास्ट एपिसोड है मेरा अयोध्या वादा सीरीज़ का, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। और अगर नहीं भी अच्छा लगा ना तो कमेंट में ज़रूर बताना यार कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, मैं कोशिश करूँगा उसको ठीक करने का। और ऑब्वियसली यार अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो और वीडियो कहीं ना कहीं अगर अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो ज़रूर यार लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना यार, और कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।
आप लोग मोटिवेट करोगे तो और बहुत सारा राइड मुझे भी करने का मन करेगा और आपको भी देखने को मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलके हम लोग एक नया शुरुआत करें। मेरा ऑलरेडी 500 सब्सक्राइबर हो चुका है, अब मैं 1000 की तरफ आगे जाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग का साथ रहेगा तभी मुमकिन है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ। सामने यार इंडियन फ्लैग क्या ही सुंदर लग रहा है। ऐसे भी अपना हर घर तिरंगा का भी एक मुहिम चल रहा है और अपना फ्लैग डे अभी कुछ दिन पहले ही गया, इंडिपेंडेंस डे भी अब आने ही वाला है 15 तारीख को, और अपने को अगर ऐसा व्यू देखने को मिले तो उसका बात ही कुछ और है यार। बेचारा मानना पड़ेगा, लेकिन पूरा ट्रिप में इसको कुछ ना कुछ परेशान किया है। कभी इसको कोई अलग तरह का कीड़ा काट ले रहा है, कभी इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा बोड़ी गिर जा रहा है, सारा बेचारा मुसीबत इसके ऊपर ही आया। बाइक का टायर स्लिप हो रहा है। तो अभी हैं धूलागढ़ टोल पे, अब यहाँ से हम लोग के सुदीप भाई यहाँ से विदा ले लेंगे अपने घर के तरफ, तो उसको बाय कर दें यहाँ से। चलो ठीक ठीक है, साथ में अभी चल। हाँ चलिए, अब हम लोग भी धीरे धीरे घर की तरफ निकले। कोलकाता के आसपास आते ही ऐसा लग रहा है कि हम वापस गर्मी का मौसम यहाँ पे चालू हो गया है। इतना सनी है यहाँ पे, मतलब अभी का टाइम हो रहा है अराउंड 4:30, बट यहाँ पे एकदम करा धूप है अभी के टाइम। अभी राइडिंग जैकेट के अंदर हमको गर्म लग रहा है, ऐसा हाल है यहाँ का। पता नहीं इधर बारिश हुआ है कि नहीं हुआ, आज देख के तो लग नहीं रहा है आज यहाँ पे बारिश हुआ होगा। तो आ गया हाईवे छोड़ने का समय, बट क्या ही सफ़र था यार हम लोग का। दो दिन में हो जाता है, बट ये दो दिन में हमने जितना मेमोरी बनाया यार सच में। ले इस जगह में शायद कोई बिस्किट कंपनी का फैक्ट्री है यार, इतना अच्छा स्मेल आता है ना बिस्किट का। ओह तो फाइनली आ गए हम लोग हिंद मोटर, अब घर तो पास आ गया, अब आप लोग से भी विदा लेने का टाइम आ गया। और रास्ते में क्या क्या घूमने को मिला, क्या क्या देखा हमने, और सच बता रहे यार मतलब पहाड़ और बीच ये सब का जो मज़ा है ना यार, वो सिटी लाइफ में नहीं है। यही बोल के चलिए आपसे विदा लेने का टाइम आ गया। मेरा घर ऑलमोस्ट आ गया, अब डायरेक्ट आपसे घर पे मिलते हैं। अब यहाँ का शूट देख के आप क्या करोगे, छोटा मोटा गली गली है। चलो बाय। सो सेफली हम लोग घर पहुँच गए, 5:15 बजे के हम लोग आसपास पहुँचे। घर पहुँचने के पहले सबसे पहले हम लोग अपना यही काम किए, राइडिंग जैकेट आपका टी शर्ट वी शर्ट पैंट सारा टोटली भीग चुका था, कारण था और हैवी रेनफॉल। एक्चुअली मतलब ऐसा हुआ कि रेनकोट पहन के गए, रेनकोट के निकले के वहाँ से इतना पानी गया कि पूरा टी शर्ट वीशर्ट भीग गया। मतलब रेनकोट कोई काम हम लोग के आया ही नहीं है एक्चुअली। और जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात किया था कि आरण्यक होम स्टे के बारे में मैं लास्ट में वीडियो में बात करूँगा, द रीज़न इज बहुत जन आरण्यक लॉज आरण्यक होम स्टे का जो रिव्यू है बहुत अच्छा देके रखे, बट पर्सनली अगर आप मुझे पूछो तो मतलब रूम फिर भी ठीक ठाक था मैं मान लेता हूँ वहाँ का, बट एक्चुअली वो जो जगह था थोड़ा मतलब एकदम लोअर डैम के पास है। अब उसका एक फ़ायदा है तो नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपको व्यू अच्छा मिलेगा, नुकसान ये है कि हर चीज़ आपको मिलेगा नहीं खाने पीने का, तो जो भी वहाँ पे बन रहा है आपको वही खाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो होम स्टे लिया था वो 1100 रुपये करके पर हेड पड़ा था, जहाँ जिसमें 4 times ऑफ मील इंक्लूड था। बाकी लोकेशन थोड़ा आप लोग चेकआउट कर लो वीडियो में भी मेरे, अभी तो आप देखे हो, बाकी आप गूगल मैप पे भी आप चेक कर सकते हो। लोकेशन ठीक ठाक है और आई होप आप लोग को भी अयोध्या सीरीज़ का लास्ट वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ना तो यार आपको पता ही है क्या करना है, क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। और थैंक यू आप लोग, फिलहाल तो मेरा अभी 500 सब्सक्राइबर हुआ है, बट आप लोग के बिना ये 500 भी नहीं होता, तो थैंक्स वंस अगेन कि आप लोग मेरा साथ बने हुए हैं इस चैनल पे, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे प्यार मिल रहा है इतना, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं आगे और अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग के लिए ला दे रहा हूँ। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि वीडियो एंड करूँ। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में बहुत जल्दी। बाय।